Hello student, today we will read the poem chapter 9, what if, so what do you mean by what if means अगर ऐसा होता, कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आते रहते हैं और हम ये सोचते हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता, है कि नहीं। तो ये व्हाट इफ का मतलब अगर ऐसा होता, ठीक है, दैट मीन्स होता है ऐसा, अगर ऐसा होता, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इफ। तो आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विथ फियर, कभी ऐसा टाइम है जो आपके माइंड में, कभी आपके दिमाग मतलब आप डरे हुए हो और डरे होकर ऐसे डरा हुआ चीज आपके दिमाग में आए हो, ठीक है। या आर द टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विथ फियर, यानी बोले कि ऐसा कोई टाइम आया है जो आप हमेशा डरे हुए होते हो और आपका माइंड पूरा डरा हुआ होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपेंस टू मी और द पीपल अराउंड मी। ओके, यहाँ पे बोल रहे कि हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आप ऐसा सोचे हो जो कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा कभी सोचे हो कि व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन टू मी, मतलब आपके साथ कुछ अगर यदि ऐसा डेंजरियस होता, क्या कुछ ऐसा गलत काम हो जाता, या फिर आपके अराउंड में जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में ऐसा कुछ होता, उनके साथ कुछ गलत होता, तो ऐसा जो ख्याल है वो कभी आपके दिमाग में आया हो। व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और फिर बोल रहा है व्हाट इफ अगर दी जो वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग, मतलब जो अर्थ होता है वो सन के चारों तरफ घूमना अगर बंद कर देता तो क्या होता। व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग, अगर दी सन जो होता है वो सुबह सुबह राइज नहीं होता तो क्या होता। ओके, ये सारे जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में कभी आया है, हियर इज ए पॉइम। ओके, यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं ये पूछ रही है जो सारे चीज़ें व्हाट इफ नाम का जो ख्याल है वो आपके दिमाग में कभी आया है। ओके, हियर इज ए पॉइम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स, तो ये एक ऐसा पॉइम है जो व्हाट इफ के बारे में यहाँ पे बता है, जो ऑथर है वो ऑथर बता रहे हैं कि ये जो पॉइम पढ़ो, इस पॉइम में ये व्हाट इफ के बारे में दिया है जो उन्होंने ये फील किया है, ठीक है। अब देखो, लास्ट नाइट वेल आई ले थिंकिंग हियर, यहाँ पे जो पोइट है वो स्पीकर है, ठीक है। द पोइट ऑफ दिस पोएम इज द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम में वो स्पीकर है, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना। लास्ट नाइट वेल आई ले थिंकिंग हियर, वो बता रहे हैं कि जो लास्ट नाइट यानी पिछले रात को जब मैं क्या कर रहा था, लेट कर सोच रहा था। ओके, यहाँ पे मैं लेट के सोच रहा था। ओके, तब क्या हुआ, सम व्हाट इफ्स क्राउड इनसाइड मी। ओके, सम व्हाट इफ्स मतलब अगर ऐसा होता, समझे नहीं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, समझे नहीं। वो व्हाट इफ्स जो है, बहुत सारे व्हाट इफ्स उनके दिमाग में, मतलब दिमाग में नहीं, उनके ईयर में, कानों में गूंज रहा था, मतलब घुसने लगा, क्राउड इनसाइड माई की ईयर, मतलब उनके कानों में धीरे धीरे घुसा जब वो रात को लेट कर कुछ सोच रहे थे। एंड प्रेंस्ड, यहाँ पे प्रेंस्ड का प्रोन्स्ड PRONCED प्रेंस्ड का मतलब होती है उछल कूद करना, मतलब वो जो व्हाट इफ्स है उनके कानों में घुसा और घुसकर वहाँ पे उछल कूद करने लगा, मानो वहाँ पे गुजरने लगा। एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और बहुत मजा करने लगा, ठीक है। वो जो व्हाट इफ्स है ना, अगर मेरे दिमाग में उनके कानों में घुस कर उनके दिमाग पर पहुंचा और वो पूरी रात उनको बहुत मजा करने लगा। ओके, और क्या क्या सब आया देखो, एंड सैंग देयर सॉन्ग ओल्ड व्हाट इफ्स, और वहाँ पे बोल रहे कि ये जो व्हाट इफ्स अंदर घुसा और जाकर वो अपना गाना गाने लगा मेरे दिमाग में, ठीक है। तो देखो, व्हाट इफ्स आई एम डम इन द स्कूल, ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इफ्स आई एम डम इन द स्कूल, बोल रहे कि अगर मैं स्कूल में डम हो जाता, ठीक है, अगर ऐसा मैं स्कूल में डम हो जाता तो क्या होता। व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल, ओके, बोल रहे कि व्हाट इफ अगर दी
वो लोग अगर दी स्विमिंग पूल को बंद कर देते तो क्या होता? व्हाट इफ आई गेट बीट अप? ओके, व्हाट इफ अगर दी मुझे मारते मतलब ऑथर को, ठीक है, अगर दी मुझे मैं अगर मार खाता तो क्या होता? ठीक है, व्हाट इफ देर इज ए पॉइजन इन माई कप? वो बोल रहे कि अगर दी मेरे कप में कोई पॉइजन हो जाता, कप मतलब हम चाय फाय पीते हैं, तो वहाँ अगर दी कोई जहर अगर हो जाता तो क्या करते? व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई? अगर दी मैं रोना स्टार्ट करता तो क्या करता? व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई? ओके, अगर दी मैं बीमार हो जाता और मर जाता तो क्या होता? ठीक है, व्हाट इफ आई फ्लंग द टेस्ट? अगर दी मैं फ्लंग, यहाँ पे फ्लंग का मीन्स होती है फेल होना, ओके, अगर दी वो जो टेस्ट है वो फेल हो जाता तो? व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोस ऑन माई चेस्ट? ओके, अगर दी मेरे चेस्ट में ग्रीन हेयर ग्रोस होता, यानी जो हरा कलर का बाल अगर दी मेरे चेस्ट में होता तो क्या होता? व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी? अगर दी कोई भी मुझे अगर पसंद नहीं करते तो क्या होता? व्हाट इफ ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी? अगर दी आपको कोई बिजली की करंट जो होती है वह अगर दी मुझे लग जाता तो क्या होता? व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टेलर? अगर दी मैं बढ़ता नहीं जैसे को वैसे रहता तो क्या होता? व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर? ओके, वो बता रहे कि मेरा जो हेड है अगर दी आपको स्मॉलर होते होता तो क्या होता, मतलब छोटा हो जाता तो क्या होता? व्हाट इफ द फिश वोंट बाइट? अगर दी फिश, कोई मछली यानी फिश अगर दी नहीं काटेगा तो क्या होगा? व्हाट इफ द विंड टीयर्स ऑफ माई काइट? ओके, वो बता रहे कि व्हाट इफ द विंड टीयर्स ऑफ माई काइट? अगर दी मेरा जो काइट है, काइट में उड़ाने के समय अगर दी जो हवा है वो मेरे काइट को अगर फाड़ देता तो? व्हाट इफ द स्टार्ट ए वॉर? अगर दी वो लोग वार यानी युद्ध करना स्टार्ट कर दे तो क्या होता? ठीक है, तो व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड? बता रहेगा अगर दे मेरे पेरेंट्स अगर डाइवोर्स दे देते यानी तलाक दे देते एक दूसरे को तो क्या होता? व्हाट इफ द बॉस इज लेट? अगर दे बॉस लेट हो जाता तो क्या होता? ये जो सारे चीज़ें हैं ना उनके दिमाग में, यह पे ऑथर बता रहे हैं कि जो व्हाट इफ नाम का बहुत सारे वर्ड्स है ये सारे चीज़ें उनके दिमाग में रात को ख्याल में आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। व्हाट इफ द टीथ डोंट ग्रो इन द स्ट्रेट? अगर दी मेरा जो दांत है अगर दी स्ट्रेट यानी सीधा नहीं बढ़ता तो? व्हाट इफ आई टियर माई पैंट्स? अगर दी मैं अपने पैंट को फाड़ देता तो, समझे, यानी मेरा पैंट अगर फट जाता तो? व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस? अगर दी मैं डांस करना नहीं कभी भी नहीं सीखता तो? एवरीथिंग सीम्स वेल स्वेल एंड देन, बोल रही कि सारे चीज़ें जो व्हाट इफ्स लगाकर बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में उस रात में आया और सब कुछ क्या होना जस्ट स्वेल यानी दिमाग को खाली पकाता रहा। एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और यानी पूरी रात ये जो व्हाट इफ नाम का शब्द है बार 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 खाली गूंजता रहा। ठीक है, तो ये सारे जो व्हाट इफ्स है हमारे पोएट है जो ऑथर है उनके दिमाग में ये आया था और उन्होंने ये वाला जो चीज़ें हैं उन्होंने हमारे साथ इन्होंने शेयर किया। यानी जो पोएम है, कौन है यहाँ पे पोएट यहाँ पे? सेल सिल्वरस्टीन। ओके, सेल सिल्वरस्टीन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, सी इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम, और उन्होंने अपनी ही एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? तो यहाँ पे स्पीकर यानी इस पोएम में स्पीकर कौन थे? आई जो नाम का है वो आई यहाँ पे कौन थे? जो हमारी इस पोएट जो पोएम का ऑथर है वो हमारा स्पीकर थे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे इस पोएम का ऑथर है वो स्पीकर थे और वो कौन है? सेल सिल्वरस्टीन। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर दिस पोएम। Read it again and try to find out question answer and write in notebook. Okay?